हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेफ शॉप कंपनी में लिस्ट कैसे बनाते हैं और आपको लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। तो दोस्त, इस वीडियो में आप बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक भी मेरी बातों को मिस मत करिएगा। अगर आप एक भी मेरी बातों को मिस करते हैं तो शायद आप सेफ शॉप कंपनी में जो लिस्ट बनाने का फॉर्मूला है वो आप नहीं जान पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्त, जो लोग सेफ शॉप कंपनी में काम कर रहे हैं उनको यह बात अच्छे तरीके से मालूम होगी कि सेफ शॉप कंपनी में लिस्ट बनाना कितना जरूरी है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दोस्त, होता क्या है, जब आप सेफ शॉप कंपनी में जुड़ जाते हैं तो आपका सीनियर बोलता है कि आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो क्यों हम सेफ शॉप कंपनी में काम कर रहे हैं तो हमको लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, मैं एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझाना चाहूंगा कि जैसे भी कोई भी एक बड़ी कंपनी होती है तो उसमें रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब कच्चे माल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज को बनाने के लिए। जैसे अगर आपको एक किताब बनानी है या कोई एक बुक बनानी है तो आपको उसके लिए पहले रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप उसको मशीन में डालेंगे तब जाके वो कागज या किताब बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप सेफ शॉप कंपनी में सफल होना चाहते हैं, अच्छा अचीवमेंट लेना चाहते हैं तो आपको लोगों की लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। जो लोग आपकी लिस्ट में शामिल होंगे वो एक रॉ मटेरियल का काम करेंगे, वो आगे चल के आपको अच्छी खासी टीम बना के आपको देंगे। और एक रीजन यह भी हो सकता है कि सेफ शॉप कंपनी में जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतने ही जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। तो दोस्त, लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ लोग सेफ शॉप कंपनी में जुड़ते हैं तो वो लोग अपने मन में ही सोचते हैं, मन में जितने भी लोग हैं मैं उनका नाम लिख लिया हूं मैं उनको प्लान दिखा दूंगा, उनका नाम हमेशा दिमाग में रहेगा। तो ये गलती आप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि जो बातें दिमाग में रह जाती हैं वो दिमाग में ही रह जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको किसी डायरी पे आपको अपने लोगों की लिस्ट बनानी है। कोई भी व्यक्ति, मैं सेफ शॉप के हर एडवाइजर को यह सलाह दूंगा कि आप जब भी लोगों की लिस्ट बनाएं तो अपने दिमाग में ना बनाएं, अपने डायरी पर उन व्यक्ति का नाम लिखें जिनको आप जानते हैं। तो चलिए हम लिस्ट के प्रकार को जानते हैं। पहला लिस्ट है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके परिवार के लोग आएंगे, आपके रिश्तेदार के लोग आएंगे और जो आपका करीबी दोस्त है वो आएगा, जिससे आप रोज डेली मिलते हैं। तो दूसरा लिस्ट का प्रकार है वार्म लिस्ट। इस लिस्ट के अंतर्गत आपके जो दोस्त हैं उनके मित्र, आपके रिश्तेदार के जो दोस्त हैं उनके मित्र या रिश्तेदार, और जो थोड़ा सा दूर के रिश्तेदार हैं जिनसे आपकी मुलाकात हफ्ते में या दो हफ्ते में एक एक बार दो दो बार होती है, तो ऐसे लोग आपकी वार्म लिस्ट में आएंगे। तीसरा लिस्ट है कोल्ड लिस्ट। इस लिस्ट के अंतर्गत जिनसे आपकी मुलाकात बहुत ही दिनों बाद होती है, जो एक एक महीने दो दो महीने पे आपसे मिलते हैं, और इसमें कभी कभी क्या होता है कि हमको अपरिचित लोग भी मिल जाते हैं, कहीं चाहे हम कहीं जा रहे होते हैं या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं या बस में सफर कर रहे होते हैं या किसी एटीएम के लाइन में खड़े हुए होते हैं, तो क्या होता है कि हमारी किसी व्यक्ति से जान पहचान इमिडिएटली हो जाती है, क्योंकि ये लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि सेफ शॉप कंपनी में लिस्ट आपको किस तरीके से बनानी है, कैसे बनानी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लिस्ट बनाने में बहुत डर लगता है कि शायद जिस भी व्यक्ति का वो लिस्ट बनाएंगे शायद उनके साथ वो नहीं जुड़ेगा, मैं इनका नाम नहीं लिख पाऊंगा या इनको नहीं बिजनेस प्लान दिखाऊंगा। तो ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी डरिए मत, अपने लिस्ट में अच्छे से अच्छे लोगों का नाम लिखिए जिनको आप अच्छे से अच्छे तरीके से जानते हैं। आप बिल्कुल भी मत घबराइए कि मैं किसका नाम लिखूं या न लिखूं। जितने भी लोगों को आप जानते हैं उनका पूरा ए टू जेड आप लिस्ट बना के रख लीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो आप सेफ शॉप बिजनेस में काम करेंगे तो क्या होगा कि आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि मेरे पास कितने लोगों की लिस्ट है। तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा लिस्ट बनाने में। आपके मन में जितने भी लोग हैं, आपको जितने भी जानने वाले लोग हैं, सबका लाइन बाय लाइन सबका लिस्ट बना दीजिएगा। अगर आप 100 लोगों की 150 लोगों की लिस्ट बना देंगे तो आपके साथ पक्का 50 से 60 लोग जुड़ जाएंगे। तो आप लिस्ट बनाने में बिल्कुल मत डरिएगा, आप लिस्ट बस बनाइए, आपका सिर्फ यही काम है।
और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग सेफ साफ कंपनी में नया जुड़ते हैं उनको लगता है कि मैं किसके बारे में लिस्ट बनाऊं, मैं किनका नाम लिखूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक व्यक्ति को मिनिमम 100 लोग ही जानते तो जरूर होंगे। वो रिश्तेदार हो सकते हैं, वो दोस्त हो सकता है, दोस्त का दोस्त हो सकता है, कुछ अनजान लोग हो सकते हैं। तो आप ये मत बहाना मारिए कि मैं किसी का लिस्ट नहीं बना पाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है और आप 100 लोगों क्या 1000 लोगों की भी लिस्ट बना सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास सिर्फ 100 ही लोग हैं, लेकिन नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। अगर आपने 100 लोग की लिस्ट बना दी और उन 100 लोगों ने अपनी 100 100 लोगों की लिस्ट बना दी, तो आपके पास पूरे 10 हजार लोगों की लिस्ट होगी जो कि कभी खत्म नहीं होगी। आप प्लान दिखाते जाएंगे, बिजनेस उनको बताते जाएंगे, कभी आपकी लिस्ट कभी नहीं खत्म होगी। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि मेरी लिस्ट खत्म हो जाएगी या मेरी कम लिस्ट है। आप सिर्फ लिस्ट बनाइए, जो अभी आपके साथ जुड़ रहा है उनके भी लिस्ट बनवाइए, तो ऐसे आपकी लिस्ट बहुत ही बड़ी होगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके मन में यह सवाल होगा कि मैं कौन से लोगों की लिस्ट बनाऊंगा। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से लोगों की लिस्ट बनानी है। आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए जो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिसमैन, रेलवे का अधिकारी, जिनको भी आप जानते हैं, मतलब ऐसे बड़े बड़े लोग, अपने लिस्ट में इनका नाम शामिल करिए और उनकी लिस्ट बनाइए जो सेफ साफ कंपनी के प्रोडक्ट की जरूरत है। ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाइए जो लोग ड्रीमर होते हैं, मतलब जो लोग अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उनकी लिस्ट बनाइए। क्योंकि आपसे बहुत लोग ऐसे मिलते होंगे और कहते होंगे कि भाई मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिससे मैं जल्दी से जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊँ, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना शुरू कर दूँ। तो आप ऐसे लोगों की लिस्ट में, अपने लिस्ट में इनका नाम शामिल कर सकते हैं। और क्या है, कुछ लोग आपसे ऐसे मिलते होंगे जो लोग सोचते होंगे कि मेरी एक अलग पहचान बन जाए, मुझे जानने वाले लोग 1000 लोग हो जाए, मेरी एक अलग ही छवि बन जाए। आपसे कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, वो लोग मेंटली तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं कि कहीं मुझे ऐसा कोई काम मिले जहाँ पे मैं अच्छे तरीके से सीख सकूँ, जहाँ मेरे विचार अच्छे हो सके। तो आप उन लोगों की लिस्ट, उन लोगों का नाम अपने लिस्ट में जरूर शामिल करिए। चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप लिस्ट बनाने के कौन कौन से माध्यम है। आप अपने फोन के कंटेक्ट से लोगों का लिस्ट बना सकते हैं। आपके घर में कोई फोटो एल्बम होगा, कोई वीडियो एल्बम होगा, तो आप उनको देख के या उनसे, मतलब उस फोटो एल्बम को देख के, उस फोटो में देख के या उस वीडियो को देख के आप उनमें से अपने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, डायरी से अपना लिस्ट बढ़ा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई एक अपना कार्ड, विजिटिंग कार्ड दे देता है, और आप उनका विजिटिंग कार्ड रख ले तो आप उनके विजिटिंग कार्ड के से भी आप अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। और सबके घर शादी का कार्ड आता है, तो आप शादी के कार्ड के माध्यम से भी आप अपना लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। आपका कोई सोशल अकाउंट होगा जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ऐसे आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं, आप उनके माध्यम से भी अपने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। और आप अपने लिस्ट में वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक, आर्किटेक्ट, प्लम्बर, क्लर्क, ठेकेदार, बैंक का कर्मचारी, पुलिस कर्मी, अखबार बांटने वाला, कुरियर कंपनी वाला और स्टूडेंट, ऐसे लोग आपके अगल बगल आसपास जरूर होते होंगे, तो आप अपने लिस्ट में उनका नाम जरूर शामिल करिए। मैं आपको एक जबरदस्त एक टिप्स देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपकी कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तो बन ही जाएगी। दोस्त, फ्रेंड्स एक वर्ड है, आप उसकी मदद से आप अपनी 100 की लिस्ट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स को कैसे हम यूज करेंगे? एफ एफ मतलब फ्रेंड्स। कम से कम फ्रेंड्स आपके 20 लोगों की लिस्ट बनाइए, जो भी आपके दोस्त हैं उनका 20 लोगों का लिस्ट बनाइए। आर मतलब रिलेटिव, जितने भी आपके रिलेटिव होंगे कम से कम 20 लोगों का उसमें आप नाम लिखिए। आई आई से मतलब इंस्टीट्यूट, मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उनमें से कम 20 स्टूडेंट का नाम लिखिए। ई ई मतलब इम्प्लॉय, मतलब सरकारी कर्मचारियों का, जितने भी लोग जॉब करते हैं कम से कम 20 लोगों का नाम लिखिए। एन एन मतलब नाइबर, मतलब आपका पड़ोसी, कम से कम आपके जो आस पड़ोस लोग हैं कम से कम उनका 20 लोगों का नाम लिखिए। डी डी मतलब ड्रीमर्स लोग, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, तो कम से कम आप उनका 20 लोगों का नाम लिखिए। और लास्ट है एस एस मतलब स्ट्रेंजर, कम से कम आप जहां भी जाते होंगे तो आपके कुछ अनजान मित्र बन जाते हैं,
तो उनका भी कम से कम 20 लोगों का नाम लिखिए। अगर आप इस फॉर्मूले से लिस्ट बनाते हैं तो कम से कम आपके लिस्ट 140 लोगों की होगी। तो यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही किफायती साबित होगा। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जरूर से जरूर लिस्ट बनाइए, आपकी कम से कम 100 से अधिक लोगों की लिस्ट होगी, तो आपको सिर्फ सा बिजनेस करने में बहुत ही मजा आएगा। और लास्ट में मैं आपको एक महामंत्र देने वाला हूँ, एक ऐसा टिप्स बताने वाला हूँ या एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसकी वजह से अगर आप ये बात सुनेंगे तो शायद आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी, आपकी लिस्ट हमेशा बढ़ती जाएगी। अगर आपको अपनी लिस्ट बनानी है, ये बात आपको मजाक लग सकती है, लेकिन अगर आपको अपनी लंबी लिस्ट बनानी है तो बस ये सोचिए कि मेरी शादी होने वाली है और मुझे अपने लोगों को बुलाना है। पक्का देखिएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, कम से कम आपकी लिस्ट 1000 लोग की आप अकेले खुद बना लेंगे। तो ये टिप्स आपको कैसे लगी आप कमेंट में अपना कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख गए होंगे कि सेफ साहब कंपनी में क्यों और कैसे लिस्ट बनाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही सेफ साहब नॉलेजबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।